सभी इष्ट मित्रों के लिए नई साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज से आपका मंगल शुरू हो गया और ये मंगल आपका आपकी ज़िंदगी को मंगलमय बनाता रहेगा। हाँ, कागज दे दे, वो ज़्यादा अच्छा। प्रश्न पढ़ के सुना दूं, इसमें आपको ख्याल में आ जाएगा। 21वीं सदी को और उसकी आधुनिकता को देखते हुए, जहां स्त्रियां पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, उन स्त्रियों को अपनी फीमेल एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात, बहुत सी औरतें शादी करना चाहती हैं, बच्चे करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, नहीं कर नहीं पाती हैं, तो उनके लिए कौन सा ध्यान, प्राणायाम, योग आप सजेस्ट करें? प्रश्न थोड़ा बाहरी भीतरी मिला के है। ये निश्चित ही हुआ है इस 21वीं सदी में कि स्त्रियां पुरुषों जैसा काम कर रही, पुरुषों के बहुत सारे काम स्त्रियों ने अपने हाथ में ले लिए। इससे मनुष्य जाति को लाभ भी हुआ है और हानि भी हुई है, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। कभी भी कोई भी काम बिना लाभ हानि के होता नहीं है, उसमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है। स्त्रियों ने जीवन को संभाल लिया, सुविधाएं बना ली, एक पहचान बना ली, लेकिन स्त्रीणता खो गई, उनके अंदर स्त्रीणता ढूंढना पड़ती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि जो चीज़ हम जीते हैं वही हम हो जाते हैं, जिस चीज़ को जीते हैं। ये जीवन का एक ढंग है कि जीवन में आप जिस चीज़ को जिएंगे वही आप हो जाएंगे। जैसा कि साधारण जिंदगी में बिना समझ के लोग जीते हैं उनकी बात कह रहा हूँ, लेकिन आज स्त्रियों की मजबूरी है काम करने की, पुरुषों के बराबर काम करने की उनकी मजबूरी भी है और वो कर भी रही हैं। अगर एक चीज वो निकाल दें, स्त्रियां काम करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरुषों से प्रतिस्पर्धा ना करें,
धीरे धीरे स्त्री काम करती है वो अलग बात है, लेकिन पुरुष होने की भी दौड़ में चली गई, कहीं कहीं तो वो पुरुष से भी आगे निकलने की दौड़ में चली गई, वो थोड़ा अभिश्राप हो गया, क्योंकि तुम पुरुष होने की दौड़ में अपनी स्त्रीणता को बहुत ज्यादा खो दोगे। काम करो, काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी स्त्रीणता को कायम रखना, क्योंकि आप आश्चर्य करे होंगे, स्त्री के पास सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो है उसकी स्त्रीणता। अगर उसकी स्त्रीणता नहीं है तो वो कंगाल है। पुरुष के पास उसका पुरुष तत्व है, अगर वो नहीं है तो वो भी कंगाल है। तो आप सारी सुविधाएं जुटा लोगे, शायद प्रतिस्पर्धा में आप बहुत लोगों को पछाड़ दोगे, लेकिन आपकी स्त्रीणता खो जाएगी, क्योंकि हम होड़ में पड़ गए। अगर आप होड़ में नहीं हैं फिर कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो बारीक सा जो अंतर है वो सभी महिलाओं को समझना पड़ेगा। स्त्री का जो मूल गुणधर्म है, जिसके लिए वो बनी है, वो है प्रेम और सेवा। काम जो आप कर रहे हो अगर उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है तो वो काम आपका सेवा जैसा हो जाएगा। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, पहले आपने सुना होगा कि सर्विस बुक बनती थी और उसमें हमने सेवा दी बैंक में, हमने सेवा की इतने साल, नौकरी की ऐसा नहीं बोलते थे। ये नौकरी तो अभी नया रिवाज हो गया, पहले सभी लोग कहते थे कि हमने 40 साल सेवा की। और सेवा का ही खेल है, आपको एक मौका दिया प्रकृति ने, कहीं तो सेवा करना थी। तो सेवा करना कोई ऐसा नहीं है किसी आश्रम में जाओ या कोई कोड़ियों की सेवा करो या इसकी सेवा, वही सेवा है। आप खाना बना रहे हैं वो भी सेवा है, खाना बना के मोहब्बत से प्रेम से आप सबको खिला रहे हैं। एक स्त्री खाना बनाती है 10 लोगों में खिलाती है, तो सेवा है वो। अब उसे वो मान ले काम, तो फिर उससे काम जैसे ही तुमने माना कि तुम्हारी स्त्रीणता गायब होगी, आपके अंदर स्त्री तत्व मर जाएगा। तो सभी महिलाओं को एक बात का ख्याल रखना है कि स्त्रीणता को बिल्कुल नहीं खोने देना, वो तुम्हारी पूंजी है। और स्त्रीणता अगर नहीं होगी तो बड़ी बेचैनी होगी। स्त्री में जितनी ज्यादा स्त्रीणता होती है, जितनी ज्यादा वो अपनी स्त्रीणता को बचा लेती है, उतनी ज्यादा भीतर रिच अनुभव करती है, क्योंकि स्त्रीणता उसकी रिचनेस है। तो काम आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन सेवा की तरह करो, जो तरकीब है। और प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं, आपको किसी से आगे नहीं निकलना, क्योंकि जब आप किसी से आगे निकलना चाहते हैं तो वर्तमान में आप जीना भूल जाते हैं। रात दिन सपने आपको वही आते हैं कि इसकी टांग कैसे पकड़ी जाए, कैसे खेल खेला जाए, फिर गणित लगते हैं, इमोशनल गेम खेलते हो, बहुत सारी बातें होती। तो बस ये दो बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो मेरी दृष्टि ऐसी कहती है कि आप काम करते हुए भी काम नहीं कर रहे हैं, वो काम हो रहा है, वो आपसे हो रहा है। आपको प्रकृति ने माध्यम बनाया, बैंक का मैनेजर बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन आप सेवा दे रहे हैं, उसे बिल्कुल सेवा मानिए, तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने पूछा है
कि स्त्रियां चाहती हैं कि बच्चे पैदा हों, लेकिन वे कर नहीं पाती। ये थोड़ा विरोधाभासी है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चे पैदा हों, तो आपके बच्चे पैदा होना चाहिए, क्योंकि भीतर से ऐसे देखो तो जो नैसर्गिक बात है, जिसे नैसर्गिक बात कहना चाहिए, वो तो ये है कि स्त्री जब माँ बनती है तो ही पूरी स्त्री होती है। अगर वो माँ नहीं बनती है तो स्त्री आधी स्त्री रह जाती है। उसके अंदर एक स्त्री होने का जो एक गुणधर्म है, क्योंकि माँ बनकर उसकी पूर्ति होती है, स्त्रीणता उसके अंदर कायम होती है माँ बनने से। माँ बन जाती है तो उसकी स्त्रीणता काफ़ी होती है, और माँ नहीं बन पाती तो फिर उसके अंदर एक भीतर अभाव बना रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्त्री अपने बच्चों में बहती सहज रूप से, जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो चमत्कार की घटना घटती है। वो इतना सुखपूर्ण काम है जिसकी आप कोई मिसाल नहीं दे सकते, अगर सच में उसे बच्चे से प्रेम है। अब आजकल तो बच्चे भी हो जाते हैं तो भी वो ऐसा लगता है कि कोई और ही बस हो गए, कोई और ही संभाल है, ऐसा होता है। तो अगर ये भाव आ रहा है कि बच्चा होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं आ रहा तो इस भाव को निकालो। आपका भाव भी है, आप कर भी नहीं पा रहा, ये तो त्रिशंकु की स्थिति हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर भाव आ रहा है तो बच्चा होना चाहिए, फिर उसका आयोजन करो, पूर्ति करो उसकी। अब और आगे क्या पूछा है कि अगर ये ऐसा नहीं हो पाता तो हम कौन सा ध्यान करें, कौन सा प्राणायाम करें। अगर स्त्री बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि उसे बच्चा पैदा ही करना चाहिए, लेकिन अनिवार्य है उसकी माँ होना। माँ होना अनिवार्य, बच्चे भले ही पैदा ना हो। ध्यान साधना उसकी माँ होने की होना चाहिए। वो किसी की भी माँ होना अनुभव करे, ऐसा जीवन जिए कि उसके भीतर मातृत्व का जन्म हो जाए। मूलवान बच्चा होना नहीं है, मूलवान यह है कि बच्चा सिर्फ माध्यम होता है माँ बनने में। माँ बनती है तो मातृत्व जन्म जाता है, लेकिन बिना माँ बने भी मातृत्व जन्म सकता है। ये भगवान ने जो देशना दी थी वो सभी स्त्रियों को माँ के संबोधन से शुरुआत की थी। पुरुषों को उन स्वामी का नाम दिया था और स्त्री को माँ कहा। अगर तुमसे कोई माँ कहता है, बड़ा अच्छा संबोधन है, सबसे अच्छा संबोधन है, तो तुम्हें मां होने का फर्ज निभाना, तुम्हें उस आदमी को मां होने की अनुभूति देनी है जो तुम्हें मां बोल रहा है। और अगर तुम उसको मां होने की अनुभूति दे पाए तो ये बच्चे वाली बात तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, और ये सबसे अच्छी विधियों में से है। और हमारे यहाँ भाषा में माँ बहन बोला जाता है, कोई ने आपको बहन बोला है तो उसे बहन का एहसास कराओ, और किसी ने माँ बोला है तो माँ का एहसास कराओ। ये तपस्या है। अगर बच्चे नहीं हुए हैं आपके
और आप ऐसे माँ नहीं बनना चाहती, जवाबदारी नहीं लेना चाहती, तो एक रास्ता ये है। और ये सुगम रास्ता है, कठिन लगता है लेकिन सुगम रास्ता है, क्योंकि मातृत्व जो है आपका स्वभाव है, माँ होना आपका स्वभाव है। बिना माँ हुए आपको तृप्ति मिल नहीं सकती है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करके आप माँ हो, आपके अंदर मातृत्व जगना चाहिए, और वो चारों तरफ से कहीं से ना कहीं से तो कोई माँ कहता ही है आपको। यहां तो रिवाज भी है लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ बोला जाता है ना, तो माँ को अनुभव हो रहा ना बेटे को अनुभव हो रहा, ना जिसको कहा जा रहा उसे अनुभव हो रहा, ना जिसे बोला जा रहा उसे अनुभव हो रहा। और ये परंपरा ऐसी थी कि माँ का संबोधन, छोटी बच्ची को भी माँ कहते, 10 साल की बच्ची को भी माँ का संबोधन, 8 साल की बच्ची को भी माँ का संबोधन, जिसमें उसके चित्त में माँ की ममता पैदा हो जाए, तो संबोधन तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। और मातृत्व की भूख जो सभी स्त्रियों को होती है, स्त्रियों ने उस भूख को डाइवर्ट कर दिया। अगर मातृत्व की भूख मर जाएगी तो तुम फिर एक वासना का केंद्र हो, इससे ज्यादा नहीं, मात्र वासना का पुतला। अगर स्त्री में मातृत्व नहीं है तो वो एक वासना का पुतला है, तो फिर क्या करेगी, वो वासना की खबर देगी सब तरफ और सब मामला उलझ जाता है पूरा। हर आदमी उसे वासना की नजर से देखेगा क्योंकि उसने अपने भीतर से मातृत्व का, जो उसके स्वभाव में था, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया। उसने अपने भीतर से मातृत्व को जगाने की अभीप्सा पैदा नहीं की। वो तृप्ति होगी मातृत्व से, भोग से तृप्ति नहीं होती, मातृत्व से तृप्ति होती। तो एक तो मां बनती है प्रकृति दत्त, कब बच्चे हो जाते हैं तो माँ और बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, बिना बच्चे के कोई माँ होती नहीं है। माँ और बच्चे का संबोधन एक साथ आता है, जब बच्चा पैदा होता तो ही वो माँ हो पाती है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ वो माँ नहीं हो पाती। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वो माँ हो जाती है, माँ का संबोधन उसके भीतर आने लगता है कि मैं माँ हो गई, क्योंकि मेरा बच्चा है तो मैं माँ हो गई। एक ये प्रकृति दत्त, और एक जो मैं बता रहा हूं वो तपस्या है। सारे ध्यानों से बड़ा ध्यान है स्त्री के लिए मातृत्व को जन्मा ले, और फिर तो वो खुली है, कोई दो बच्चों पर निर्भर थोड़ी है, किसी को भी अपने बेटे की तरह अनुभव करे, किसी को भी अनुभव कराए कि मैं मां हूं, तो फिर उसका रास्ता खुल जाता। ये एक विधि है, जैसा इनने पूछा है, प्राणायाम और योगा से काम नहीं होने वाला है, कोई विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि ये योगा प्राणायाम तुम्हारे अंदर मातृत्व नहीं जगा सकते। मातृत्व तो माँ हो के ही जगेगा, माँ की फीलिंग आना चाहिए तुम्हारे अंदर, तो वो भाव जो तुम्हारे भीतर माँ होने का पड़ा है वो खुले, तब ये बात बनेगी। और कोई प्रश्न? जो स्वभाव है उसकी नकल भी करो तो भी उसका भाव आ जाता, क्योंकि वो स्वभाव है, औरत का स्वभाव है मां बनना। तो अगर वो नकली भी व्यवहार करेगी तो धीरे धीरे असली में, क्योंकि नकली जो है ना वो आयोजित है, वो तुमने
सीखा है। प्रेम करना किसी ने सीखा नहीं है, मातृत्व भी सीखा नहीं जाता, मातृत्व स्वभाव है। और स्त्री को मां की फीलिंग नहीं आ रही है, ये गैर स्वाभाविक है। और गैर स्वाभाविक को स्वाभाविक बनाने के लिए नकल तो करना पड़ेगी। आप नकली से शुरू करिए, आपके भीतर असली तो बैठा ही है ना, वो असली प्रकट हो जाएगा। देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो प्रकृति दत्त तुम्हारे भीतर है, उसे कहीं से पैदा नहीं करना, भीतर से वो आना। तो तुम नकल से शुरू करोगे और असल प्रकट हो जाएगी। जैसे देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं, रोना भी तुम्हारा स्वाभाविक लक्षण है। तुम झूठे रोने लगो, आंसू भर जाएंगे तुम्हारे। अभी तुम दहाड़ मार मार कर रोने लगोगे, बिल्कुल नकली शुरू किया था तुमने, करके देख लो। हम तो वो एक प्रयोग कराते हैं, उसमें सारे लोग रोने लगते हैं, बुरी तरह से रोते, दहाड़ मार मार कर रोते। ऐसे ही हंसना है, हंसना आप बिल्कुल नकली शुरू कर दो, आप बिल्कुल तो आपकी पेट में कुल्हाटे खाने लगोगे, ऐसे हंसने लगो। क्योंकि ये दोनों चीजें स्वाभाविक हैं। बच्चा मर्जी में हंसता है और मर्जी में रोता है, वो स्वाभाविक है। किसी ने सिखाया नहीं है उसे, कोई ट्रेनिंग नहीं ली उसने, कि ट्रेनिंग दी है रोने की। कोई देता है ट्रेनिंग? ना हंसने की ट्रेनिंग देते, ना रोने की देते। वो जम के हंसता और जम के रोता है। कारण कि जे तुम पैदा हुए हो इसको लेके, हंसने और रोने के लिए। मातृत्व भी स्त्री इसी तरह से लेके पैदा हुई है, जिस तरह से हंसी है और रोना है, उस तरह से मातृत्व है उसका। तो अभी चूंकि हमने सभ्यता में ये सब भूल गए, सभ्यता में हम हंसना रोना भी भूल गए, लेकिन शुरू करोगे तो आ जाएगा। कितनी सभ्यता चढ़ी हो तुम्हारे ऊपर, फिर भी अगर वातावरण मिल जाए तो अभी रोने लगोगे आप। और नकली से भी शुरू करो तो भी रोने लगोगे। किसी रोते हुए देख के तुम्हें नहीं लगने लगता, रोने जैसा लगने लगता होता है कि नहीं? क्योंकि वो भीतर पड़ा हुआ है। किसी बच्चे को कोई माँ प्यार कर रही है तो कोई भी स्त्री के अंदर कुछ ना कुछ होगा, उसे देख के कुलाटी आएगी उसे भीतर से, क्योंकि वो उसका स्वभाव है मातृत्व। वो मातृत्व उसे अपने भीतर खबर देने लगता है, और खबरें तो चारों तरफ से मिल रही, तो उसे डेवलप किया जा सकता है। ये तपस्या है। तो भाई, ऐसी स्त्री अगर गुरु के प्रेम में पड़ जाए तो उसकी माँ होने की जो वासना उपलब्ध हो जाएगी? वो माँ ही होके गुरु से के प्रेम में पड़ सकती है, और कोई रिश्ता होता ही नहीं है स्त्री का। स्त्री का पति भी उसका बेटा होता है। उपनिषदों में एक लेख है, उसमें ये लिखा है कि 9 बेटे और 10वां पति। मैं 9 बेटे की माँ हूँ और 10 में उनके बाप की माँ हूँ। और जब तक स्त्री अपने पति की माँ ना हो जाए, तब तक पुरुष से मुक्त नहीं हो सकती। और पुरुष से उसे मुक्त होने के लिए ये शादी के जो आयोजन हैं, ये जो हमारे यहाँ शादी का आयोजन चलाया जाता है, ये इसलिए चलाया जाता है कि आपको भय नहीं है, डर नहीं है। एक स्त्री आपकी हो गई, एक पुरुष आपका हो गया। शादी क्यों होती है? शादी होती है कि स्त्री इतने प्रेम में जिए कि पुरुष को स्त्री से मुक्त कर दे। पुरुष इतने प्रेम में जिए औरत के कि औरत को पुरुष से मुक्त कर दे, उससे किसी पुरुष की याद ना आए, पुरुष मर जाए उसके लिए। कोई पुरुष दुनिया में है ही नहीं। जब वो प्रेम में जिएगी तो वो पुरुष से मुक्त हो जाएगी। और ये शादी
इतना गजब का किसी ने आयोजन बनाया था, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है शादी, ये तो अभी हो गया खंडित, सब ऋषि मुनियों की देन है। हमारे सब ऋषि मुनि शादीशुदा, जितने ऋषि मुनियों सब शादीशुदा है, क्योंकि शादी से मुक्ति जल्दी होगी, स्त्री पुरुष से मुक्त होगी, क्योंकि पहचानना जितना पत्नी को हो सकता है इतना किसी को नहीं हो सकता। दूसरे को तुम कितना पहचानोगे, अधूरा अधूरा, और अधूरा कभी मुक्त नहीं करता। दूसरे पुरुष को तुम कितना पहचानोगे, आपकी ट्यूनिंग इतनी आ ही नहीं सकती कि आप उससे मुक्त हो जाएं। लड़ सकते हैं उससे, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो सकती। मुक्त होने के लिए एक साथ होना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे की गहराई में जाना जरूरी है। और शादी बनी इसलिए है कि एक दूसरे को मुक्त कर दें, पुरुष स्त्री को मुक्त कर दे स्त्रीणता से, पुरुष तत्व से, और स्त्री मुक्त कर दे पुरुष को। ये हमारे ऋषि मुनियों ने आयोजन किया था कि शादी करो, आखिरी आखिरी तक दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे, तो अगले जन्म की कोई वो नहीं रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, जैसी दुनिया चल रही है वैसे में क्या होता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, नए नए पुरुषों का चिंतन करती है। अगर वो अपने पति के प्रेम में नहीं है तो उसको नए नए, जो कि 99% नहीं होता, तो वो पुरुष का चिंतन करती रहती आखिरी तक, उसको जो चिंतन होता है। और हमारा जो जीवन है वो अगला जीवन हमारा चिंतन पर निर्भर होता है, कि हमने सारी जिंदगी चिंतन किस चीज़ का किया। अगर हमने चिंतन स्त्री का किया है तो प्रकृति आपको स्त्री बना देगी। आपने पुरुष का चिंतन किया तो अगला जन्म पुरुष का होने वाला है, आपको पुरुष बना देगी प्रकृति। और पुरुष बनकर फिर स्त्री का चिंतन करोगे, ऐसा गोरख धंधा है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक जन्म में स्त्री बने, और स्त्री बने तो पुरुष की तो मांग रहेगी, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुमने किसी पुरुष को सही स्त्री होकर मुक्त ही नहीं कर पाए। तुम्हें पुरुष से मुक्त हो जाना था और पुरुष को स्त्री से मुक्त करना था। ये आयोजन शादी का इसलिए था, आप आश्चर्य करो, और ये आयोजन पूरा का पूरा कोई और ही उपद्रव हो गया, घर गृहस्थी में फंस गया। और ये सिर्फ इसलिए था संबंध कि हम एक दूसरे को, ऋषि मुनि तो घर गृहस्थी नहीं बनाते थे, पति पत्नी रहते थे झोंपड़े में, लेकिन वो एक दूसरे को मुक्त करने का आयोजन जरूर करते थे, और वो आखिरी आखिरी में बिल्कुल मुक्त हो जाते थे। स्त्री पुरुष से मुक्त हो जाती थी, पुरुष स्त्री से मुक्त हो, इसीलिए जो प्रकृति आयोजन करती है, कभी ढर्रे में मत पड़ो, अदरवाइज तुम अगले जन्म में फिर पुरुष होगे और फिर स्त्री का चिंतन करोगे, स्त्री का चिंतन करोगे, अगले जन्म में स्त्री हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला जी, गोल गोल ऐसा चलता है, जन्मों चलता। बहुत मुश्किल से होता है कि कोई स्त्री दूसरी बार स्त्री होती हो, ये मुश्किल से होता है। अगर उसने मातृत्व को अच्छे से जिया है तो प्रकृति एक बार उसे स्त्री बनाती है तो स्त्रीणता का वो इतना मजा लेती है, और ऐसी स्त्री इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि उसकी सुंदरता में किसी की वासना नहीं जग सकती। और ऐसा ही पुरुष का, पुरुष इतना सबल हो जाता है कि स्त्रियां सिर्फ देख के मुक्त हो जाती, व्यवहार की बात नहीं रहती, देख के ही तृप्ति हो जाती। ऐसा मुश्किल से होता नहीं, पुरुष भी नहीं, क्योंकि चिंतन किसका कर रहे हो, चिंतन आप जिस चीज का कर रहे हो, मरते वक्त धन पैसा का जो चिंतन करते हैं ज्यादा, वो उस तरह से हो जाते हैं। अधिकतर धन पैसा का चिंतन करते हैं गरीब लोग, भिखारी लोग, तो जो क्या हो जाते हैं, भिखारी लोग अमीर हो जाते हैं अगले जन्म में। और अमीर लोग जो है ना, जो अमीर लोग हैं वो हमेशा भिखारियों से बचते रहते हैं। कैसे बचते रहते हैं, हम भिखारी ना हो जाएं,
अमीरों में बहुत डर रहता है जी कि हमारा खो ना जाए, हम वैसे ना हो जाए, भिखारी देख कप जाते। तुम आश्चर्य करो, अमीर ने जैसे ही भिखारी देखा तो उसके पांव थमथमा जाते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि भिखारी हो जाए अपन, सब लुट जाए अपना। प्रकृति क्या करती है, उन्हें भिखारी बना देती। आप खेल देखो जी, खेल कुछ इस ढंग से चलता है। अगर इसके तुम विज्ञान को समझ लो कि जब विज्ञान ऐसा है तो तुम्हें जीने में अकल आ जाएगी यहाँ कि चिंतन किस चीज का करना चाहिए। चिंतन परमात्मा का करो, अगर परमात्मा का चिंतन करोगे तो आखिरी में परमात्मा हो जाओगे, झगड़े ही मिट जाएगा। और ये तो पूरी बात है कि जिसका चिंतन करोगे वही उपलब्ध होने वाला है आपको। ये विपरीत का चिंतन करते हैं हम। अमीर करता फकीरों का चिंतन, वो देखता रहता है कि ये हालत ना हो जाए, और फकीर तो उन्हें देखता ही रहता है कि ये स्थिति हमारी कब बनेगी। फकीर वो चिंतन, इतना चिंतन, वो तपस्या कर रहा। तो तपस्या में वो ऐसे घर में पैदा हो जाएगा कि सब कुछ मिलेगा उसे, बिल्कुल सब मिलेगा, क्योंकि उसने बेचारे ने पूरी जिंदगी कुर्बानी दी है, भीख मांगी या पूरी जिंदगी भजन किया है पैसे का। तो तपस्या तो सबकी सिद्ध होती है, स्त्री पुरुष का करती है, पुरुष स्त्री, बस जो चिंतन होता है अगले जन्म में वो सारा खेल हो जाता है। ऐसा रहस्य है जीवन का, जैसा मैं समझता हूँ जीवन कुछ इस रहस्य से भरा हुआ है। इसलिए बहुत संभल के यहाँ जीने की ज़रूरत होती है, चाहे आप अमीर हों, चाहे आप गरीब हों, चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, विपरीत का चिंतन बिल्कुल नहीं करना है। विपरीत का चिंतन नहीं करना, विपरीत से डरना नहीं है और उसका चिंतन नहीं करना, क्योंकि हम जिससे डरते हैं उसी का चिंतन करते हैं। स्त्री पुरुष आपस में डरते बहुत, क्योंकि भीतर इतना उपद्रव चलता है कि पता ना लग जाए तो डर तो रहेगा ही। खोपड़े में तो सब कुछ चलता रहता है, वो तो कोई किसी का खोपड़ा देख नहीं पाता, वो अच्छी बात है, ऐसा खेल है। अब प्रश्न बदल लेते हैं अपन, कोई और प्रश्न पूछिए। बाबा, जब एक बच्चा बड़ा होता है संसार में, क्या वो जब एक छोटा बच्चा संसार में बड़ा होता है तो वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको लोगों से मतलब मिलना जुलना पड़ता है, और वो चाहता है बड़ा होके कि चार आदमी उसे पूछें, उसके दोस्त बने और उसकी एक रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। तो मेरे को ये पूछना था कि जब कोई नया नया संन्यास लेता है तो उसे अपनी जो एक पर्सनालिटी है उसे कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, ये सोच के कि वो नहीं एग्जिस्ट करता, कि वो नहीं है, या उस पर्सनालिटी को मनोरंजन के तौर पर होने देना चाहिए। उसे मनोरंजन के तौर पे होने देना चाहिए, छोड़ना पकड़ना नहीं है। जो चीज़ें हो गई हैं या हो रही हैं, सिर्फ उसको मनोरंजन मानिए, इससे ज़्यादा उसको मूल मत दीजिए, क्योंकि छोड़ने में तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुमने पकड़ा भी नहीं है, तुम्हें भ्रम है कि तुमने पकड़ा, वो भी मनोरंजन हुआ जो पकड़ना हुआ, और ये भी मनोरंजन हो जाएगा उसको छोड़ना। तो झगड़े में क्यों पड़ते हो? आपको ये मान के चलो कि कोई अभिनय दिया गया है, एक अभिनेता है, हम सब अभिनेता हैं, सब हम अभिनेता हैं, अभिनेता सिर्फ अभिनय कर सकता, लेकिन डायरेक्टर तो कोई और ही है। आपको डायरेक्शन कहाँ से मिलते? डायरेक्शन जिस जगह से मिल रहा है उसका हम अभिनय कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं कुछ। तो अभिनय के बारे में क्या सोचना, क्या पकड़ना, क्या छोड़ना,
डायरेक्टर ने कह दिया इसे गोली मार दो, तो गोली मार दी। और डायरेक्टर ने कह दिया कि भैया इसकी सेवा कर दो, तो सेवा कर दी। ना गोली मारी तुमने, ना सेवा करी तुमने, कुछ नहीं किया तुमने, तुम तो बाहर खड़े थे। वो भी एक नाटक किया था दूसरों ने दिखाने, और ये भी एक नाटक, और कुछ नहीं। तो नाटक मान के अगर हम जिंदगी को चलते हैं, सबसे अच्छा निदान निकलता है। ना तो तुम किसी के बेटे हो, वो भी एक नाटक है, और ना तुम्हारा कोई पिता है, वो भी एक नाटक कर रहा है, ना तुम्हारी कोई माँ है, वो भी एक नाटक कर रही है, और नाटक का उसे पता नहीं है। बस हम नाटक में हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम वही हो जाते हैं जिसका हम रोल करते हैं। अभी खिलाड़ी खेल हो जाता है। अब खिलाड़ी खेल हो जाएगा तो सब बिगड़ेगा कि नहीं? खिलाड़ी को खेल का ख्याल रखना चाहिए कि खेल अलग है और खिलाड़ी अलग है, नहीं है दोनों अलग अलग, कि खिलाड़ी और खेल एक ही चीज है। छक्का लग गया तो खुश हो गए, वो आउट हो गए तो रोने लगे, अब वो खेल थोड़ी हुआ, तुम तो खेल में शामिल हो गए। खेल में शामिल नहीं होना, अगर तुम इस तरह से खेलते हो कि खिलाड़ी नहीं हो, खेल हो तो परेशान हो जाओगे, और खेल है और तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी हमेशा बाहर खड़ा रहेगा कि नहीं, कि खेल में घुस जाएगा? तुम पूरे खेल में घुस जाओ तो हनुमान जी जैसी हालत हो जाए। हनुमान जी जो है वो रस्सी वस्सी टूट गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो असली के हनुमान गायब हो गए और असली आदमी खड़ा हो गया गदा लेके, कि रस्सी किसने तोड़ी जो बताओ पहले, तो बाड़े में गई रामायण, रस्सी किसने तोड़ी, मैं उसका सर फोड़ देता हूं, तो वो खेल खत्म हो जाता। इस तरह से होता है जी। तो आप तो अभिनय करो, और अभिनय में बड़ा मौज है। मैं भी यहां बैठा बैठा अभिनय कर रहा हूं, तुम आश्चर्य करो, मुझे एक रोल मिला है, जिसे गुरु कहो तुम, जो भी कहो, मैं भीतर से कभी गुरु नहीं हूं, मैं भीतर से ना भगवान हूं ना गुरु हूं। मुझे लोग भगवान भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पता है ये उनकी स्वतंत्रता है। मैं गुरु होकर पागल हूं क्या कि एक जगह बंध जाऊं? अगर गुरु हो गया तो बाप होने का मजा कहां से लूंगा, और अकेला बाप हो गया तो बेटा होने का मजा कहां से लूंगा? अरे मैं सब चीजों का मजा लेता हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। वक्त पे बेटा हो जाता हूं, वक्त पे पति भी गजब होता हूं, वो पत्नी जानती, ऐसा होता हूं कोई धोखा दे देता हूं, और बच्चों डांटता भी हूं, ऐसा नहीं, बाप का रोल कर रहा हूं, और भीतर मैं देखता हूं कि मुझे गुस्सा आते नहीं। अब तो हमारे बच्चे समझ भी गए, ये बहुत नाटक करते हैं, तो हमारी डांट का असर होता नहीं, अब समझ गए कि ऊपर ऊपर है मामला जी, अभी मिटने वाला है। तो रोल करना सबसे अच्छी बात। देखिए मैं तो गजब का रोल करता हूं, मुझे कोई चीज देता है मैं ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे कोई चीज देना होती दे देता हूं। ना लेने का रोल खेल है, ना देने का खेल, सब रोल करना है, ये रोल करता हूं, वो रोल करता हूं, मतलब मैं संसारी हूं पूरा का पूरा, लेकिन नाटककार हूं। इतना फर्क है, देखोगे तो तुम्हें जो लगेगा जी आदमी सब ऐसा ही है यार पूरा का पूरा, क्योंकि कहीं बंधना है क्या, गुरु हो क्या मरना है क्या, गुरु हो के बैठ गए सिंहासन पे तो फंस गए, अकेले गुरु हो गए, कुछ मत हो तो सब कुछ हो गए, और कुछ हो गए कि मर गए। तुम धनी हो गए तो मर गए, क्योंकि धनी होने की पीड़ा भोगोगे, गरीब हो गए तो मर गए, गरीब होने की पीड़ा भोगोगे, पुरुष हो गए तो मर गए, फंस गए पुरुष होने से, और स्त्री हो गए तो फंस गए। अरे पुरुष हो गए थोड़ी स्त्री को भी जी लो, क्या बुराई है, स्त्री होकर भी जी लो,
कुछ भी होकर जियो आप स्वतंत्रता, क्योंकि आप कुछ नहीं है। तो जो मेन सूत्र है वो ये है कि हम कोई भी कुछ नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, आप भी कुछ नहीं है, आपको भ्रम है कि आप कुछ हैं। और जब आपको ऐसा लगता कि आप कुछ हो गए, वहीं बन गए आप, तो एक समग्रता का जो जीवन था तुम्हारा वो एक डबरे में घुस गया। कोई साधु होकर मर गया, कोई सन्यासी होकर, बस सन्यासी हो गए साहब, हम तो संसारी बिल्कुल नहीं, सन्यासी हो गए हम तो, वह ध्यान करेंगे। अब वो सन्यासी होकर तुम सड़ जाओगे, सन्यासी को मिटाओ, हो और मिटाओ, तुम कुछ और हो गए, सन्यासी हो, सन्यासी को बिल्कुल पहुँच के फेंक दो, तुम जीरो हो जाओ। और जो जीरो होने का मजा है, क्योंकि जीरो हो गए तो सबका आनंद, तुम पेड़ के साथ एक होते हो, पौधे के साथ एक होते हो, कुत्ते के साथ एक होते हो, सबके साथ एक होते हो तुम, और किसी के साथ एक नहीं होते, क्योंकि सबके साक्षी होते हो। तो जीवन बना है एक समग्रता में जीने के लिए, कि आप एक समग्रता को जियो, और समग्रता को तुम एक पर्टिकुलर रोल करके जीना चाहते हो। कोई पति होकर जीना चाहता है, कोई कुछ होकर जीना चाहता है, कोई भिखारी होकर जीना चाहता है। अब भिखारियों को समग्रता कैसे जियोगे आप, फंस गए, जो भिखारी तुम कभी हो ही नहीं सकते, ना कोई इस जगत में अमीर हो सकता, ना कोई भिखारी हो सकता, दो ही बकवास, ये तो खेल है, रोल है। हाँ, अमीर होने का रोल किया है, भिखारी होने का रोल किया, भिखारी होने का रोल करोगे कोई और रोल भी तो कर सकते हो, फंसे तो नहीं रहे। तो हम एक जीवन को समग्रता से जिए, हर पहलू को जिए जीवन के, और हर चीज से अछूते बाहर खड़े हो, तब जाके मुक्ति होती है। नहीं तुम्हें तो रहस्य रह जाएगा कि कुत्ता कैसा होता है, हम तो ये भी नहीं जानते। और जब तक समग्रता से नहीं जियोगे तो इस खोपड़ी में होने की चाह नहीं मिटेगी, कुछ ना कुछ होना ही चाहोगे आप। जब समग्रता से जीते हो, और समग्रता से जीने का एक ही रहस्य है कि आप मिट जाओ। आप बच्चे थे जब आप कुछ भी नहीं थे यार, छोटे बच्चे थे, तो तुम्हारे पिताजी देखते थे तो मुस्कुराते थे, कोई पड़ोसी देखता था तो भी मुस्कुरा जाते थे, और किसी के भी सामने रो देते थे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक समग्रता जी रही थी। कोई भी बच्चे को हाथ में ले लेता, उसी को स्माइलिंग देता है वो छोटा बच्चा, वो मतलब भेद नहीं कर पाता कि ये मेरी माँ है, वो हाथों की फीलिंग देखता है कि किसी ने अच्छे से पकड़ा उसे, तो वो तुरंत स्माइलिंग देने लगता है, बच्चा एकदम हंसने लगता है, क्योंकि करीब करीब एक साल तक बच्चा गजब की समग्रता में जीता है। और समग्रता परमात्मा है, परमात्मा कहीं बैठा नहीं है, समग्रता का नाम परमात्मा है। जो समग्रता को जीता वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से बाहर तो कुछ है ही नहीं, हर चीज उसमें समाई है, और परमात्मा हर चीज के बाहर खड़ा है, साक्षी, इसका मैं गवाह हूं, वो साक्षी की तरह है और सारे आयामों को जी रहा है। रामायण में एक चौपाई आती है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, काम हाथों के बगैर सारे काम करता है और बिना मुंह के हजारों मुंह से खाता है, आनंद रहत सकल रस भोगी, मुंह नहीं है और सारे स्वाद उसके, ऐसा खेल है। और ये सारी चीज हम जब तक नहीं जिएंगे तो यहां ध्यान में पाया कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर कहते हैं, जो घर बार है आपनो, जो अपने अहंकार को मिटाने तैयार हो चले हमारे साथ। और जिसे अहंकार का भी पीड़ा भोगनी है
वो तो सजा जिसको भोगनी है भोगनी है, वो फिर इसकी समग्रता से पीड़ा भोग ले, तुरा से भोग ले, इसमें जल्दी पार हो जाए। और किसी का प्रश्न बचा है कि प्रश्न गए? तुम जबरदस्ती उंगली क्यों हिला रहे हो? बड़ी खुजली होती है तुम्हें। उन्हें उन्हें जिज्ञासा हो रही है तो वो अपने से पूछेंगे, आप उत्प्रेरित क्यों कर रहे हैं? पूछिए, जिनको भी पूछना हो पूछिए। प्रवृत्ति है कि थोड़ी देर समझ में आती है, क्या प्रकृति है? प्रवृत्ति अपनी है जो अपनी आदत है। हाँ। कि आप जैसे आपने अभी कुछ कहा तो कुछ क्लैरिटी आती है, कुछ दिनों बाद वो क्लैरिटी फिर धीरे धीरे फिर धुंधली हो जाती है, कभी आती है फिर चली जाती है। ऐसी क्या अंदर ऐसी क्या चीज है जो ये अज्ञानता है, वो क्या पर्दा है कि वो पर्दा बना ही रहता है ऐसा? उसमें चोट पड़ती है फिर थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, कुछ दिखता है, फिर वो बंद हो जाती चीज, तो वो हमेशा ऐसा ही चला आ रहा है। बराबर गाड़ी चल रही है बस ऐसा लगता। ठीक है, देखिए जब आप किसी बात को सुनते हैं तो सुनने के तल होते हैं। जैसे आपके काम की बात होती है, जैसे लोग व्यापार करते हैं या कोई लाभ की बात कहते हैं तो हमारे कान इतने जोर से खड़े हो जाते हैं कि बहुत कम आवाज़ में हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं। जब हमारी प्रिय बात जैसी होती है तो हम बहुत, बाकी कोई साधु महात्मा लेक्चर दे रहे हों तो हमारे कान बिल्कुल खड़े नहीं होते, हम आ गए हैं तो सुन लेते, क्योंकि आ ही गए हैं तो जो कहा जा रहा है वो सुन लेते। तो वो जब परिस्थिति बदलेगी, थोड़ी देर तक काम करता है वो भी, लेकिन परिस्थिति बदलेगी तो वो सुनना काम में नहीं आएगा, वो प्रवृत्ति हावी हो जाएगी आपके ऊपर और फिर आपको लगेगा कि मैं समझता भी हूँ। क्योंकि देखिए भगवान ने हम सबको जिस ढंग से बनाया है उसने सबको ज्ञान भी दिया है, हम सबके अंदर ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है। अभी मैंने जितनी बातें कही वे आप सब जानते, ऐसा मैंने नया कुछ भी नहीं कहा, आपको जैसे पता तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्य आपके भीतर भी है और वो सत्य जो है थोड़ा सा झनकृत होकर सुन लेता है तो आपको लगता है कि जी ठीक है बात, ठीक मेरी वजह से नहीं, ठीक आपके भीतर पड़ा था उस वजह से होता, वही ठीक मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी जो बात तुम्हारे भीतर से गवाही देगी। वो सिर्फ गवाही देती है कि बाबा जी ठीक कह रहे हो, गवाही देती है, वो आपके भीतर पड़ी थी और इस बात को सुन के वो बात थोड़ी उहर गई। अगर जी तुम रोज रोज सुनो, रोज रोज, तो वो बहुत गहरी चली जाएगी, फिर इतने जल्दी परिस्थिति बदलने पे उसका गियर नहीं बदलेगा, वो तुम्हारे काम में आ जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम सब ज्ञानी हैं और स्वाभाविक रूप से हम सब शांत आनंद में और प्रेम में जीना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? सभी लोग चाहते हैं कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम आनंद से जिए, प्रेम से जिए। ये मांग कहाँ से आ रही? क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे भीतर पड़ी है,
तुम्हारे अंदर परम शांति है, परम आनंद है, सब कुछ पड़ा है, वही खबर दे रहा है, वही चाय पैदा कर रहा है कि बात तो वो बन जाए। अब पर्दा पड़ा है, पर्दा जो है उस बात को पूरा समझने नहीं देता। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आप महाभारत में खड़े हैं तो महाभारत के जो नियम हैं वो नियम आप पे हावी होंगे निश्चित, और आप महाभारत से हट के कोई दूसरी जगह खड़े हैं तो दूसरे नियम लागू हो जाएंगे। ये हमारे चेतना के तल हैं। असली में हम चेतना का जो तल जीते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मूल रूप से हम चार डायमेंशनों को जीते हैं, चार, और वो डायमेंशन हमारे बदलते रहते हैं। कभी व्यक्ति मूलाधार पे होता है और कभी व्यक्ति मनस शरीर में चला जाता है, कभी वो जो प्रकृति दत्त घटना है। प्रकृति तुम्हें क्या करती है कि मौका खूब देती है, जैसे कोई चीज को देख के आप अवाक हो गए, आपको मजा आ गया, तो आपको पता ही नहीं लगा आप का सेंटर बदल गया, आप चौथे शरीर में घुस गए आपके। वो प्रकृति ने आपको मौका दिया कि चौथे शरीर का स्वाद दिला दिया। ये प्रकृति दत्त होता रहता है। कभी कभी आप तीसरे शरीर में, दूसरे में होते हो, कभी मूलाधार में सबसे ज्यादा होते। अब ये जो नीचे ऊपर वाला खेल चल रहा, इस खेल को हमें व्यवस्थित करना, क्योंकि संभावना हमारी अगर मूलाधार को जीने की है तो संभावना हमारी चौथे शरीर में भी जीने की है, जिसकी हमें प्रतीति भी है, पता भी है, क्योंकि कई बार तुम आनंद विभोर हो जाते हो, ऐसी स्थिति बनती है, टिक नहीं पाते, क्योंकि उस सेंटर पर तुम्हारा टिकना नहीं होता है, उसके लिए हमने उस तरह का प्रयास नहीं किया है, और कोई बात नहीं। अगर आप मंत्र पढ़ने लगे, कुछ और ना करें तो मंत्र पढ़ें, जाप करें, योग करें, प्राणायाम करें और नियमित करें, तो आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं मूलाधार में, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में आपका ज़्यादा रहना होता है, जो धंधे पानी की बातें और वो सब उल्टा सीधा चलता रहता, तो उस माहौल में आप नीचे गिर जाते हैं और लंबे टाइम तक जीना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा समय अपने लिए देना चाहिए, कम से कम आदमी को 2 घंटे खुद के लिए देना चाहिए। चाहे आप मंत्र पढ़ो, चाहे जाप करो आप, चाहे ध्यान करो आप, चाहे पूजा करो आप, 2 घंटे कम से कम तुम संसार से बाहर का कोई काम करो, पूजा में 2 घंटे लगा दो, भगवान की पूजा करो, मंत्र पढ़ो, सेवा करो, मतलब तुम्हारा काम 2 घंटे सांसारिक नहीं होना चाहिए 24 घंटे में। अगर तुमने 2 घंटे दे दिए तो वो 2 घंटे तुम्हें जो सुख देंगे, इतना सुख देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें चौथे शरीर की तरफ ले जाती, आनंद की तरफ ले जाती, शांति की तरफ ले जाती, चाहे मंत्र पढ़ रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर, क्योंकि ये तुम संसार से हट के कर रहे हो, संसार के लिए नहीं कर रहे, ये तुम अपने लिए कर रहे हो। और दुर्भाग्य ये है कि आदमी अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता, वो सारा खेल करता है औरों के लिए, पत्नी को करेगा, बच्चों के लिए करेगा, इसके लिए, अड़ोस के लिए, पड़ोस के लिए, अपने लिए उसके पास समय ही नहीं है। दूसरों के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि दूसरों को वो इसलिए करता है कि उसके अहंकार का पोषण मिलता है, और कोई परोपकार नहीं कर रहा है, उसकी जय जयकार होती है, अहंकार का पोषण मिलता है, इसलिए करता है, नहीं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता, जो भी करता वो अपने अहंकार के पोषण के लिए करता। तो जब कर ही नहीं सकते तो अपने लिए तो 2 घंटा करो कुछ। अगर आपने 3 महीने लगातार मेरी बात मानी
तो आज तुम्हें जो हल्का सा पता लग रहा है, 3 महीने बाद तुम उस पर टिकने लगोगे, और एक बात तुम्हें स्वाद बैठ जाए, वो स्वाद तुम्हें चलाएगा, फिर वो यात्रा कराएगा, फिर परिस्थिति बदलेगी, फिर भी तुम खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भीतर बदलाहट आ जाएगी, तुम कोई और केंद्र पे जीना सीख जाओगे। ऐसा खेल है। तो जैसी अवस्था है उसमें तो परिवर्तन होना सहज बात है। दूसरी बात, आदमी को कभी स्वयं के प्रति निंदा से और निराशा से नहीं भरना चाहिए। धर्म में जो पहली शर्त है कि आप आत्मनिंदा से बचें, सबसे खराब चीज है खुद की निंदा से भर जाना। आप खुद की निंदा से बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, आप अपनी निंदा से ना भरें। ये हमें हमेशा याद रखना कि अगर हम अपना सौभाग्य नहीं कमा सकते तो हम अपना दुर्भाग्य तो पैदा ना करें, क्योंकि आप जब अपनी निंदा से भरते हैं तो आप बहुत नीचे खड्डे में चले जाते हैं। आपने जैसे आपकी संभावना ही खत्म कर दी, क्योंकि अपनी निंदा से तो आदमी जब ही भरेगा जब उसको कोई संभावना ही नहीं दिख रही हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आत्मनिंदा से किसी को नहीं भरना चाहिए, और निराश नहीं होना। जीवन बहुत विराट है, इसमें निराशा के लिए बिल्कुल जगह नहीं। अगर आपको निराशा पकड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये प्रयोग बहुत कारगर होगा। सिर्फ आप 2 घंटे भगवान को दो या अपने को दो, ये कई बात, पूजा करो जिसकी भी करना चाहो, कोई ना मिले नदी की करो, किसी पर श्रद्धा नहीं है नदी पर करो, और मैं तो गहरे में कहता हूँ कि तुम्हारी कर लो, 2 घंटा पूजनी हो जाओ, 2 घंटा आप खुद अपने आप को ही पूजनी बना लो, 2 घंटा 2 घंटा जरा अपनी पूजा करके देख लो। क्योंकि पूजा तो जब ही करोगे जब बहुत श्रेष्ठ मानोगे, ऐसा कैसे पूजा हो पहुँचेगी तुम्हें। तो भगवान की पूजा करो, वो सरल है, हम देवी देवताओं की करते, किसी की भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा का जो भाव है वो काम का है, किसकी कर रहा है वो काम का नहीं। आप जिसकी भी करो, 2 घंटे प्रभु स्मरण करो, उसमें कोई फांसी तो लग नहीं रही, बैठे बैठे राम राम जप रहे हैं। लगता यह है कि इससे क्या होगा, ये लगता जरूर है कि 2 घंटे हम राम राम जप लेंगे तो क्या हो जाएगा, चमत्कार घटते हैं, चमत्कार, 2 घंटा करके देखो आप। लेकिन इसमें एक नियम है कि आपको नियमित करना, आपको ब्रेक नहीं, चाहे किसी परिस्थिति में हो आप, उस परिस्थिति से आपको ब्रेक नहीं मानना। ब्रेक अगर आप मानते हैं तो फिर आपकी पूजा सफल नहीं होती है, खंडित हो गई। ये धर्म में एक खेल है कि ब्रेक मानने से चीज़ें खंडित हो जाती हैं, इसलिए इनको संकल्प लिया है तो उस संकल्प को बराबर पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो 3 महीने में आप भगवान को धन्यवाद देंगे कि भगवान ने दुनिया बहुत ही बढ़िया बनाई है, आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा। चलो अब भजन कीर्तन करें, कि और भी किसी का कुछ रह गया हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सब हो गया, भजन करो 2 घंटे करो। थोड़ा सा लोगों में चहल पहल हो, ऐसा करना नहीं, क्या इन्हें नींद आ जाती है, तुम अकेले गाते रहते, बेचारे सो जाते हैं। तो अब तुम्हारा फर्ज क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ सुनो, और अगर इन्हें नींद आने लगी तो मेरे बोलने का क्या मतलब हुआ, फिर तो मैं ये मानूंगा कि मुझे भी नींद है। अगर मेरे बोलने में कोई सोने लगे तो मैं ये मानूंगा कि मैं भी नींद से भरा हुआ, जबरदस्ती की बात है, क्योंकि मेरा धंधा नींद तोड़ना है। तुम भजन गा रहे हो तो इनमें उत्सव आना चाहिए,
ये गायक का भी फर्ज है, ऐसा नहीं कि अकेले तुम कहोगे यार तुम नच नहीं रहे, अरे तुम मजबूर हो जाए ये नचना, तुम ऐसा समा बांधो कि लोग बाग उठ के खड़े होकर थिरकने लगे, और अगर ये कला नहीं सीखी तो सीख लो, सीखना पड़ेगा, देखो सभा में बैठना ऐसा थोड़ी है, अकेले के लिए बैठे हो, चिल्ला रहे हो और दूसरे जुमाई ले रहे, समझ रहे मेरी बात, चालू हो जाओ।